हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब अड्डा में स्वागत है। आज यहाँ पे आप लोगों में बताने वाला हूँ कि वृद्धा पेंशन का पैसा रुका हुआ है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर आ करके रुक गया है तो आप उससे कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर नया वृद्धा पेंशन अगर आप करवाए हैं तो उसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि आपका एक्टिव है, पैसा आने वाला है या फिर नहीं। तो इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ जो है आज मैं शेयर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों मैं करके भी दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अगर कोई नया अप्लाई भी किए हैं तो वो भी चेक कर पाएंगे कि उनका एक्टिव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जिनका जो पैसा रुका हुआ है वो भी अपना जो है देख पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को पैसा कब तक आया है वो भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आप जो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग जो है पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी लेट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं जो है गूगल क्रोम ओपन कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार में जो है सर्च कर लेना है nsap.nic.in। तो ये सर्च करने के बाद आपका जो ये होम पेज ऐसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है वो सारा चीज़ डिटेल देखने को मिल जाएगा कि कितना अभी तक जो एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है, कितना लोगों का जो है वो पैसा मिल गया, ये सारे चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को डाटा दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आप जैसे कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर अबाउट अस है, गाइडलाइंस है और रिपोर्ट का ऑप्शन है। तो रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे ही आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा रिपोर्ट खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है नीचे चले आना है बेनिफिशियरी सर्च में एंड ट्रैक एंड पेमेंट डिटेल पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 14 नंबर में जो है एप्लीकेशन ट्रैकर है, 15 नंबर में जो है पेंशन पेमेंट डिटेल्स है। तो यहाँ पर आप लोगों को 15 नंबर वाले पर आप लोगों को क्लिक करना है, पेंशन पेमेंट डिटेल वाले पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि आप लोगों को इस तरह का होगा। तो यहाँ पर पेंशन पेमेंट डिटेल और बेनिफिशियरी, और यहाँ पे जो सर्च बाय जो है देख पा रहे कि सेक्शन ऑर्डर एप्लीकेशन नंबर के द्वारा जो है आप सर्च कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है आप लोगों को फिलअप करना है, कैप्चा डालना है और यहाँ पे सबमिट आप लोगों को कर देना है। तो चलिए यहाँ जो सारे चीज़ें मैं फिलअप कर लिया हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो करके आ जाएगा। जैसे कि देख पा रहे कि जैसे आपने जो है सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस में देख पा रहे कि एक्टिव है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस मिल जाएगा, स्कीम का नाम मिलेगा, यहाँ पे जेंडर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को नीचे में जो है एज देखने को मिलेगा, और सबसे लास्ट में यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे कि लास्ट पेंशन मंथ और यहाँ पे एज जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो लास्ट पेंशन मंथ में आप लोगों को देखना है कि आपका पेमेंट कब तक आया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है जुलाई 2024 तक का पेमेंट आ गया है, अगस्त का पैसा और सितंबर का पैसा अभी नहीं आया, तो वो भी इनको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपका जो है लास्ट पेंशन मंथ जो है वो काफ़ी टाइम से अगर नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर आप लोगों का ये एक्टिव नहीं दिखा रहा है, अगर आप लोगों को डीएक्टिव दिखा रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने जो है बैंक में जा करके आप लोग जो है डीबीटी इनेबल करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे कि आपका जो है डीबीटी इनेबल है या फिर नहीं। डीबीटी क्या है, आप लोगों का जो है आधार से कोई भी बैंक अकाउंट जो है लिंक होना चाहिए। आपका जो है आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप लोगों का जो पैसा आने में दिक्कत होगा, उसी के कारण जो आपका पेंशन का पैसा रुका हुआ है। सबसे पहले आप जो डीबीटी इनेबल है कि नहीं वो आप लोगों को चेक करना है। तो उसका वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप लोगों के लिए मैं बना करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं कि आप जो है कैसे अपना जो है डीबीटी इनेबल है या फिर नहीं है वो कैसे चेक कर पाएंगे। और अपने नज़दीक जो भी बैंक होगा वहाँ पर जा करके आप जो है डीबीटी इनेबल के लिए फॉर्म फिलअप करके देंगे, आपका डीबीटी इनेबल 24 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है पेंशन का जितना भी पैसा रुका हुआ सारा मिल जाएगा। और इस तरह से जो अगर आप नए भी फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं वो भी आप जो है एप्लीकेशन नंबर से इस तरह से चेक कर सकते हैं उनका स्टेटस एक्टिव है या फिर अभी पेंडिंग है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेटस में अगर आपका पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हुआ है तो आप लोगों का पेंडिंग दिखेगा। अगर आपका जो है वो पेंशन का जो है वो अप्रूव हो गया एप्लीकेशन तो यहाँ पे आपका एक्टिव करके आ जाएगा। तो इस तरह से जो आप चेक कर सकते हैं पैसा, या फिर जो है नया अप्लाई भी किए हैं तो आप इस तरह से स्टेटस देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिला हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे ही अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।